जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब भोलेनाथ की कृपा से बेहतर और खुशहाल होंगे। और आज मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के साथ फटाफट सी बनने वाली खिचड़ी की रेसिपी। यस, आज मैं एक्चुअली खिचड़ी की रेसिपी जो बहुत ही सिंपल से बन जाएगी और खाने में भी बहुत हेल्दी, बहुत यम्मी। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है चावल, जो नॉर्मल मैं डेली घर में यूज़ करती हूँ, और थोड़ा सा मसूर दाल और थोड़ा सा मूंग दाल। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फ्रोजन मटर लिया है, थोड़े मसाले के पेस्ट, और यहाँ पे ये जो है सोया है, सोया चंक्स, और आलू और लौकी और थोड़ा सा प्याज। मेरा मतलब है कि मेरे पास जो भी चीज़ें घर में अवेलेबल थी बस मैंने वही लिया है। और मैं जब भी खिचड़ी बनाती हूँ ना, तो उसमें सोया चंक्स ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि बहुत ही हेल्दी होता है, ये तो सभी को पता है। और इस तरीके से सोया चंक्स अगर आप खिचड़ी के साथ लो खाओ तो और भी हेल्दी होगा, इसलिए मैं इस तरीके से इसे डाल देती हूँ। और मैंने कुछ स्पेशल नहीं लिया है, जो मेरे पास अवेलेबल था। इस तरीके से आप बना सकते हो घर की चीज़ों में जो भी हो, जब आपके पास कम टाइम हो और आपको बहुत सारी भूखें लगी हो, तो आप फटाफट से इस तरीके से खिचड़ी बना लीजिए। बस सिंपल सा नॉर्मल सा प्रोसेस है। मैंने प्याज डाला था, तेल, तेज पत्ता वगैरह सारी चीज़ें हींग डाल के, और उसमें सारी सब्जियों को मैंने डाल दिया था। यहाँ पे मैंने सोया चंक्स, आलू और लौकी जो भी था मतलब कटा हुआ, वो सारी चीज़ें मैंने इस तरीके से हल्का हल्का सबको चला लिया है। उसके बाद मेरे पास थोड़ी सी फ्रोजन मटर बची हुई थी। अगर आपके पास और भी वेजिटेबल हो तो और भी डाल सकते हो आप। और मैंने सारे चावल और दाल को इस तरीके से वॉश करके अच्छे से रखा हुआ था। मैं कोई स्पेशल प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ कि इस तरीके से ही आपको बनाना, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ। यहाँ पे मैं सारी चीज़ें धीरे धीरे करके डाल दिया है मैंने, और सबको थोड़ा सा मीडियम मीडियम नहीं लो फ्लेम पे मैंने सबको थोड़ा थोड़ा इस तरीके से भुना हुआ है। हल्दी, नमक, सारी चीज़ें वगैरह मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और मैं मसाले भी इसी स्टेज में ऐड कर दूंगी। आप चाहे तो जिस टाइम सब्जियों को भून रहे हो तो उस टाइम डालिए, या फिर इस तरीके से मैं सारी चीज़ों को इकट्ठा ही भून लूँ, क्योंकि मेरे पास कम टाइम था। जब मैं वापस लौट के आई थी ना स्कूल से, तो फिर मुझे बहुत भूख लगी थी। मॉर्निंग के टाइम मैं रोटी बना लेती हूँ, तो जब इवनिंग इस तरीके से देखिए मैंने धीरे धीरे करके लो फ्लेम पे सारे मसालों को अच्छे से भुना हुआ है, ताकि मेरे सारे सब्जी चावल जो आपस में बहुत अच्छे से भुन गए हैं। उसके बाद मैं इसमें इस तरीके से गर्म पानी ऐड कर दूंगी। मेरे ख्याल से ये आपका जो है ना लगभग 30 मिनट में आराम से हो जाएगा। बस इसका प्रेशर में जो टाइम लगे तो बस उतना सही है। और ये बहुत ही हेल्दी बन के रेडी होता है, बहुत ही हेल्दी। इसके साथ जो है आपको जो भी चीज़ें मन करे, अचार, पापड़, दही, जो भी खिचड़ी के साथ खाया जाता है। ये बहुत पतली वाली सिंपल वाली खिचड़ी में आप लोगों के साथ, जो कि बहुत ही इजी वे में बन जाता है जब आपके पास कम टाइम हो ना, तो इस तरीके से आप पतली वाली खिचड़ी बना के, मसाले वाली भी है और सिंपल भी है, आप आराम से इसे बना करके और खा सकते हैं। मैं थोड़े ना आलू डाल रही हूँ, एक्चुअली मुझे उसका भरता भी बनाना था, तो मैं एक ही साथ डाल देती हूँ, क्योंकि बिना भरता का जो है ना मुझे खिचड़ी बिल्कुल नहीं खाया जाता है। तो बस मैं यहाँ से मैं 2 सीटी लगाऊंगी, फिर लो फ्लेम पे थोड़ी देर छोड़ दूंगी। यहाँ पे देखिए मेरा खिचड़ी जो है बन के रेडी हो गया है। आप के ऊपर डिपेंड है कि आप इसे कितना पतला रखना चाहते हो या कितना थिक रखना चाहते हो। तो ये तो था मेरा सिंपल सा खिचड़ी की रेसिपी। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।